गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब लोगों को लगेगा ये पागल है, ये क्यों बना रही है जब इतनी दुखी है फिर भी वीडियो बनाने की पड़ी है इसको। ऐसा कुछ नहीं, मैं बस कुछ लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम में से काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है गाइस। तो हुआ क्या, मेरा जो सबका फ़ोन, सबकी ये आदत है कि फेस लॉक अपने आप खुल जाता है फ़ोन, तो कभी कभार पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मेरा पासवर्ड मैंने मतलब सुबह खुल गया था, जब सुबह मैं उठी थी खुल गया, बट उसके बाद नेक्स्ट जब चार्जिंग पे मैंने रखा, उसके बाद वापस जब मैंने लिया गाड़ी में, तो वो ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, पासवर्ड रॉन्ग, पहले 1 मिनट, फिर कुछ 5 मिनट का आया, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा आ गया। 1 घंटे का 2-3 बार आया, मैंने 1 घंटा वेट किया, फिर ट्राई किया। उसके बाद अब तो सीधा डिसेबल हो गया ये वाला मेरा जो फ़ोन है। मैं मतलब iPhone 10 से बना रही हूँ अभी अपना वीडियो, मैं इससे ही बनाती थी, इससे नहीं बनाती थी। देखो कैसा हो गया। तो ऐसा हो गया, और मतलब मैंने बहुत काफ़ी लोगों को पूछा मैं क्या करूं। तो सब तो ज़्यादातर यही बता रहे, फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, अगर बैकअप रखा है तो मिल जाएगा, वरना नहीं। और मेरा क्या, मैंने बैकअप नहीं ले रखा था, तो आई थिंक iCloud में 5 GB मिलता है कुछ, जो 5 GB रहता है उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो मैंने ओनली 5 GB ही रखा था, उसके बाद का मैंने नहीं लिया था कुछ भी, उतना ही था। और मेरे फ़ोन में कुछ 14,000 फ़ोटोज़ वीडियोस थे मेरे पिछले अक्टूबर से लेके इस अक्टूबर तक, क्योंकि अभी कुछ 18 तारीख को 1 साल हो जाएगा मुझे इस फ़ोन को। तो मेरे सारे फ़ोटोज़ वीडियोस, सब मेरे जितने व्लॉग्स हैं, मतलब मैंने जो अपलोड नहीं किए 20-25 व्लॉग्स, वो मेरे हज़ारों में फ़ोटो, 10-11 हज़ार तो फ़ोटो, आई थिंक 2,000 से 3,000 वीडियोस थी, और मेरे फ़ोटोज़ ही 10-11 हज़ार थे, ऐसे कुछ होंगे। तो हाँ, 2,000 ऐसे कुछ वीडियो थे, 2,500 ऐसे कुछ। मैंने क्या कहते हैं, मैं पूछी सबने ज़्यादातर ये बताया, मैं इतना ज़्यादा सैड हो गई। और मैंने काफ़ी जगह पूछा, मैं एप्पल के इधर भी गई, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पी रही हूँ आज, रुको, तो वीडियो बना रही हूँ, रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, मैंने अभी तक फॉर्मेट नहीं किया है। क्या पता कभी भूल जाए, पर सब ये बोल रहे हैं, फिर डब्बा ये
गुस्सा उतार रही हूँ मैं, क्योंकि भले ही सबको आएगा यार, किसी को भी आएगा, किसी के भी फोटो क्लिक हो जाएंगे तो मेरे ही नहीं, सब सबको ही आएगा, किसी को भी आएगा। मैंने इतनी कोशिश की, मैंने यार पता नहीं क्या। गाइस आप लोग प्लीज अपना बैकअप बना के रखिए, ये कभी भी हो सकते हैं किसी के साथ भी एप्पल वाले। मैं कुछ नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सही में सब कुछ डिलीट हो गया है, अभी नहीं हुआ बट हो जाएगा। आपको पता है मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ तो मेरा हार्ट में पेन होता है, मेरा अभी पेन ही हो रहा है मेरे हार्ट में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ। और मैं कब से टेंशन ले रही हूँ आपको पता है, मेरे ये फोन कभी नहीं खुल रहा था, बट ये मैंने शाम को ट्राई किया इसका खुल गया, बट इसका नहीं खुल रहा है। और ये मेरा मेन फोन है, मैं इसमें ही सब कुछ फोटोज वीडियोज रख देते, अब पता नहीं मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ, मतलब जीरो से नई फोटोज वीडियोज सब कुछ। मैं नहीं बता सकती कि मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा। भले फ़ोन टूट जाता, पानी में गिर जाता, वो चलता कि मैं ठीक करवा के ले लेती, ज़्यादा मैं ज़्यादा मुझे पूरा पूरा जान चुका है मैं। मुझे ये नहीं है कि मेरा फ़ोन खराब हो गया या मेरा फ़ोन का पासवर्ड हो गया, मुझे बस सब कुछ डिलीट हो जाए, बस मेरी फोटोज वीडियोस, बस फोटोज वीडियोस कभी ना हो। मेरी आईडी तो मेरे पास सारे पासवर्ड है, वो सब मिल जाएगा, बट मेरे फोटोज वीडियोस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आई क्लाउड में नहीं था वैसा कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं करके रखा था। गाइस आप लोग प्लीज, अगर आप लोग के पास आईफोन है तो प्लीज, बहुत से लोग लापरवाह रहते हैं मेरी तरह जो नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग करिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, मतलब समझ नहीं आता कि क्या करें। मुझे बोला है अब इसका कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर मिल पाए, वरना तो फॉर्मेट ही कराना पड़ेगा, और मेरे को नहीं कराना सर, मैं सब कुछ इसमें मैं आपसे पूरा नहीं बता सकती कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ, बट कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते, बस इतना ही कहना था कि प्लीज आप लोग भी, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आप लोग प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए, और इस चीज पे ध्यान दीजिए और अपना सेव करके रखिए, जैसे भी आप लोग सेव कर सकते, बिकॉज कुछ नहीं पता कभी पानी में गिर जाए, खराब हो जाए, तभी भी नहीं आ सकते फोटोज वीडियोस। अच्छा पानी में गिर के मिल जाए तो भी चलता है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि पानी में गिर के मुझे फोटोज मिल जाते तो भी चलता है, तो बंद ही हो गया, खुल ही नहीं सकता है। मैं कब से पागलों की तरह रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ मत पूछो, इतना परेशान हो गई हूँ मैं, इतना थक चुकी हूँ कि पता नहीं मेरे फोटोज वीडियोज, इतने सारे मेमोरीज थी, इतने सारे मैंने यहाँ वहाँ शूट्स किए, सारे व्लॉग्स थे जो मैंने अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि मेरा नेक प्रॉब्लम है इसलिए मैं कुछ नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। इतने सारे फोटोज वीडियोज थे, इतने सारे पिक्चर्स थे, मैंने कल भी बहुत सारे पिक्चर, कुछ 102 पिक्चर्स लिए थे। मेरा 512 GB है, 512 GB, मेरा आई थिंक 490 GB फुल हो चुका है, क्योंकि मैं इतने पिक्चर वीडियोस लेती हूँ, बट वो सब डिलीट हो गए। कल वाले तो मैंने अपलोड भी नहीं किए थे, और इतने सारे व्लॉग्स थे, मेरे आई लैशेज एक्सटेंशन, जब मैंने फर्स्ट टाइम आई लैशेज एक्सटेंशन करवाया था वो व्लॉग था, और मेरा 11-2 का व्लॉग था, 11-2 का व्लॉग चलो इस फ़ोन में है तो बच गया, मेरा दिलदारी का व्लॉग था, और भी मैंने गाने किए थे उनके व्लॉग्स भी थे, और अभी डॉक्टर वाला व्लॉग भी था मेरे पास जो बहुत ही अच्छा था, बाकी और भी बहुत सारे व्लॉग्स थे जो काफ़ी अच्छे थे, बट कुछ नहीं मिलेगा मुझे। प्लीज़ बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आपको
आप लोग भी अपना प्लीज़ सेफ करिए जो जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़, और ध्यान रखिए अपने फ़ोन के साथ कि आप लोग का भी ऐसे कभी भी डिलीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ ध्यान रखिए। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक रोऊंगी, पता नहीं जब तक ये मेरे माइंड से नहीं निकलेगा मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ। बिकॉज मैं बहुत रोती हूँ इन सब चीज़ों में, जब मेरे कुछ डिलीट हो जाता है या कुछ मेरे से दूर चला जाता है, कोई चीज़ मुझसे दूर चली जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और अपना सेव करिए डाटा, जैसा भी है जो भी आपका इम्पोर्टेंट है, व्हाट्सएप है, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सब सेव करिए ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम ना आए। बस इतना ही कहना तो कुछ नहीं अब हो सकता है, अब मुझे वो डिलीट करवाना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, बस इतना ही बोलना था, कुछ कर नहीं सकते। बस आप लोग ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का और अपने फ़ोन का भी ख्याल रखिए। पता नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस इतना ही कहना था। बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ अपने फ़ोनों के साथ ध्यान रखिए कि आपका कुछ ना डिलीट हो जाए और अच्छे से, बस इतने वरना मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ आज, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ अगर मेरा कुछ डिलीट हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ कि मम्मा बुला रहे चाय पीने के लिए, मैंने खाना भी नहीं खाया, पता है इसी गुस्से में कि मेरा सब डिलीट हो गया सब कुछ, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है ना। मम्मा मुझे बोल रही कि वो रो रही है, मत रो, वापस से स्टार्ट कर लो, वापस से नए पिक्चर तो खींच जाएंगे। वो बात नहीं होती है कि न्यू पिक्चर क्लिक हो जाएंगे, वो बात होती है कि वीडियोस हमारी इतने मेमोरीज पुराने सब डिलीट हो गए, हमने जिसको इतने संभाल के रखे थे वो सब उड़ गए। मैं लैपटॉप में भी नहीं रखा था, मैंने क्यों नहीं रखा था, मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं, आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और मैं बहुत रोती हूँ, आई नो, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा रोती हूँ, और मैंने इसलिए मास्क लगाया कि आप लोग को मेरी रोती हुई मुंह ना दिखे, क्योंकि मुझे पता था मैं रो जाऊँगी, मैं आप सबको बताती हूँ वक्त भी, तो इसलिए मैंने पहले मास्क लगा लिया था कि आप लोग मेरे रोते हुए फेस ना देखो। बस प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अपने फ़ोन का भी ख्याल रखिए। मैं जा रही हूँ, बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।